अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ सलमान आशमीन वेलकम टू डॉक्टर टॉक्स कमिंग टू द पॉइंट आज मैं किसी क्लि क्लिनिकल टॉपिक के ऊपर बात नहीं करने वाला बल्कि एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जिसके बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल किए गए और कुछ इंडिविजुअल्स को मैंने जवाब दिया है पर्सनली लेकिन सारे लोगों के जवाब देना मेरे लिए मुश्किल था मसरूफियत थी ड्यूटीज़ थी फैमिली थी और फिर रमज़ान था तो रमज़ान से फारिग हो गए ईद हो गई अलहमदिल्ला और जिन लोगों की ईद हो रही है उनको ईद मुबारक तो बड़ा अहम सवाल है और वो ये कि जिन लोगों ने पाकिस्तान इंडिया या बांग्लादेश या श्रीलंका या वो ममालिक जो ई यू ए कंट्रीज से बाहर हैं उनको नॉर्वे में किस तरह काम करने की इजाजत मिल सकती है एज ए रॉक अप्लाई करने से पहले कुछ बातें आपको जहन में रखना जरूरी है और वो ये कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स मजब बी स्कैन एंड कलर्ड पी डी एफ कॉपीज और दूसरी बात यह कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनकी लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए या फिर कोई स्कैनिडिविन लैंग्वेज होनी चाहिए जैसे कि नॉर्विजन डैनिश या फिर स्वीडिश इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी और आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन जमा करने का तरीका ये है कि आप हेल्थ से हेल्थ डायरेक्टरॉट यानी हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो नॉर्वे नारवे की उसकी वेबसाइट पर जाएंगे और उसके बाद आपने जो है वो सिलेक्ट करना है डॉक्टर जैसे नॉर्वेजन लैंग्वेज में लेगे कहते हैं और उसके बाद आपने जो ऑथराइजेशन और लाइसेंस के उसके अंदर फील्ड के अंदर डॉक्टर लेगे जो है वो सिलेक्ट करके आगे जब जाएंगे आगे जो पेज खुलेगा उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो जमा कराने कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा कराने और वो लिंक जहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है वो लिंक वहाँ पर दिया हुआ है जब आप उस लिंक को इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आगे जो है वो आपको ऑप्शन आएंगे किस तरह आप उसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं तो क्योंकि आपके पास नॉर्विजन अगर आप अभी तक तो नॉर्वे नहीं है तो आपके पास नॉर्विजन नंबर नहीं होता आइडेंटिफिकेशन नंबर तो आपको वहाँ पे जो है वो एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसके बाद आप उसके अंदर एप्लीकेशन अपनी जो है वो सबमिट करा सकते हैं तीन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जिसमें सबसे पहले आपका डिप्लोमा यानी आपकी डिग्री दूसरा आपकी ट्रांसक्रिप्ट और तीसरा आपने जो क्लिनिकल रोटेशंस की होती हैं थर्ड ईयर से लेकर फिफ्थ ईयर तक फाइनल ईयर तक जो जिस जिस डिपार्टमेंट में जिस जिस वार्ड्स में आपने जो है वो रोटेशन की होती है उसका डिटेल्ड ओवरव्यू एंड दैट टू इन नंबर ऑफ आवर्स यानी जितने घंटे आपने उन वार्ड्स के अंदर उन स्पेसिफिक फील्ड्स और स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के अंदर गुजारे हैं उसके नंबर ऑफ आवर्स वो आप अपने यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या जिस हॉस्पिटल में आपने किया उसके एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करके बनवा सकते हैं वो डॉक्यूमेंट ये तीन जो है वो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और उसमें आपका सिलेबस वो आपकी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पर यूजली जो है वो डिटेल सिलेबस मिल जाता है अगर आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नहीं है तो फिर आपको अपनी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना पड़ेगा वो आपको एक डिटेल्स सलेबस देते हैं अच्छा डिटेल्स सिलेबस में इनको सिर्फ़ उन सब्जेक्ट्स के नाम नहीं चाहिए जो आपने पूरे पाँच साल में पढ़े बल्कि उन सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या आपने पढ़ा है यानी मिसाल के तौर पे आपने मेडिसिन पढ़ी है तो मेडिसिन के अंदर आपने कौन कौन से कार्डियोलॉजी है गैसट्रटोलॉजी है इम्यूनोलॉजी है सारी चीज़ें जो है वो हर चीज़ की डिटेल चाहिए और यूजली जो है वो आपकी वेबसाइट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है उस पर डिटेल कॉपी होती है नहीं तो अगेन आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करें वो आपको जो है वो और पेपर फॉर्म में नहीं बल्कि जो है उसका लिंक यूजली होता है यू आर आई लिंक होता है जो आपको आपकी यूनिवर्सिटी वाले देंगे वो आप जो है वो इसमें अटैच करेंगे इस एप्लीकेशन के अंदर जब आपकी लेंग एप्लीकेशन कम्प्लीट हो जाएगी तो आपका जो एप्लीकेशन पोर्टल होता है उस पर ग्रीन सिग्नल आ जाएगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो चुके हैं जो जो रिक्वायरमेंट जो तो जब वो नंबर्स पूरे हो जाएंगे तो वो आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा आप फीस पे करेंगे जो कि सिक्सटीन हंड्रेड फाइव सिक्सटीन हंड्रेड ऐसी कुछ है नॉर्विजन क्रोन्स तो वो जो है वो जब आप फीस जमा करा देंगे आप मेरे खासिल सेवनटीन हंड्रेड हो गई तो वो फीस जमा कराने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी टोटली नॉर्मली नौ से दस महीने में लगते हैं इस एप्लीकेशन के जवाब आने पर लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती क्योंकि नारविजन जो हेल्थ मिनिस्ट्री है जो नॉर्वे का हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके पास इतनी इस वक्त कैपेसिटी नहीं है कि वो हर आपके डॉक्यूमेंट को जो है वो वेरीफाई करें तो उन्होंने मदद ली मिस्टर मेरका से और मिस्टर अमेरिका के पास एक इदारा है जैसे ई सी एफ एम जी कहते हैं जो लोग यू एस एम्ली की तैयारी करते हैं यू एस एम्ली देने देने जाते हैं तो उनको आई है कि ई सी एफ एम जी का काम करता है ई सी एफ एम जी एक्चुअली एक इदारा है जो आपकी डिग्रीज़ को आपकी ट्रांस को वेरीफाई करता है तो जब आपकी नॉर्वे हेल्थ एंड हेल्थ मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है उसमें आपकी अप्लिकेशन जमा हो जाएगी तो उसके बाद आपने जो है वो ई uh, सी एफ एम जी की वेबसाइट पर जाके एक अपना अकाउंट बनाना है जिसे एपिक अकाउंट कहते हैं और उस अकाउंट बनाने के बाद उसको ई सी एफ़ एम जी को आपने जो है वो अपने ट्रांसक्रिप्ट और अपना डिप्लोमा भेजना है यानी डिग्री भेजनी है जो कि टाइम लेती है तकरीबन तीन से छः महीने उसको वेरीफ़ाई करने में और जब आप ये अपनी डिग्री और अपना ट्रांसक्रिप्ट जो है वो ई सी एफ़ एम जी को भेजेंगे तो उसमें आपको ज़रूर मैंशन करना है कि जो वेरीफिकेशन का जवाब हो वो नॉर्वे की हेल्थ मिनिस्ट्री को ज़रूर पहुँचाना है क्योंकि अगर आप ये मैंशन नहीं करेंगे तो आपके वेरीफिकेशन की रिपोर्ट आपके पास आएगी फिर आप पोस्ट में जो है वह नॉर्वे नॉर्वे भेजेंगे जिसमें टाइम लगेगा तो आपका प्रोसेस जो है वो डिले हो जाएगा तो यूजुअली उनके पास एक उस फॉर्म के अंदर जो है वो एक ऑप्शन होता है कि आप उसमें सेलेक्ट करें कि इसका वेरिफिकेशन का जो रिपोर्ट है जो जो आंसर है वो नॉर्वे की हेल्थ मिनिस्ट्री तक पहुंच जाए ताकि आपका प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस चलता रहे अच्छा ये काम जब हो जाता है तो 9 से 10 महीने के बाद जो है वो आपको लाइसेंस मिल जाता है जो कि टेम्प्रेरी लाइसेंस होता है और यूजुअली दो से तीन साल तक के लिए लाइसेंस देते हैं इस लाइसेंस की बेस पे आप नॉर्वे आ सकते हैं अगर आपने अभी तक ये सारा प्रोसेस नॉर्वे से बाहर बैठ के किया है और आपको लाइसेंस मिल गया है, तो इस लाइसेंस की बेस पे आप नॉर्वे का वीज़ा अप्लाई करते हैं और फिर आपको टेम्प्रेरी वीज़ा मिलता है एक साल का जो कि रिन्यू हो सकता है हर साल जब तक ये तीन साल पूरे नहीं हो जाते तो इस लाइसेंस की बुनियाद पर आप नॉर्वे आ सकते हैं और जब ये लाइसेंस आपको मिल जाता है तो यू कैन वर्क एज अ डॉक्टर लेकिन असल कहानियाँ यहाँ से शुरू होती हैं असल मसाइल यहाँ से शुरू होते हैं क्योंकि जब ये लाइसेंस आपको मिलता है और इस लाइसेंस को परमानेंट करने के लिए जिसे ऑथराइजेशन कहते हैं उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं तीन बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो पूरा करना आ, मुश्किल नहीं होता मैं मुश्किल नहीं कहूँगा आपको डिस्करेज नहीं करूँगा लेकिन आसान भी नहीं होता और इसके लिए काफ़ी मदद चाहिए होती है दूसरे लोगों की सबसे पहला जो टास्क होता है जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो लैंग्वेज की होती है प्रोफेशनल लैंग्वेज का सीखना और उसके लिए आपको क्योंकि आपने ख़ुद अप्लाई किया है नॉर्वे के हेल्थ मिनिस्ट्री ने आपने नहीं कहा उन्होंने आपसे नहीं कहा कि आप अप्लाई करें तो इसलिए सारी जितनी भी कॉस्ट इस रिक्वायरमेंट इन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने में लगती है वो आपको ख़ुद ही बर्दाश्त करनी पड़ती है तो नॉर्विजन लैंग्वेज के कोर्सेस होते हैं मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ होते हैं मुख्तलिफ स्कूल्स ये कोर्सेज़ कराते हैं ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं तो ये कोर्सेज़ जो है वो आपको ढूँढने होते हैं और इन कॉर्सेज में आपको जो है वो अप्लाई करना होता है और इनके मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं जो बेसिक लेवल्स जो स्टार्ट होता है जो कि स्कूल्स में पढ़ाया जाता है ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू और ऑथराइजेशन यानी परमानेंट लाइसेंस मिलने के लिए आपको एटलीस्ट बी वन और बी टू जो है वो लेवल्स पास करने होते हैं इसी तरह अगर यूनिवर्सिटी में आप जो है वो नॉर्विजन लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं तो उनका जो है वो अलग जो है वो आ, पासिंग सिस्टम होता है जिसमें वो, जिससे वो कहते हैं थ्रेन एन थ्रेन टू थ्रेन थ्री यानी एक दो तीन स्टेजेस और उसके लिए भी जो है वो थर्ड स्टेज जो है वो कंप्लीट करनी होती है बिल्कुल हाई लेवल का प्रोफेशनल लैंग्वेज अगर आप उन्हें टेस्ट देना है तो उसे बार्गिन टेस्ट कहते हैं टेस्ट कहते हैं और वो रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन अगर आपको अपनी अच्छी लैंग्वेज और अच्छी करनी है तो फिर टेस्ट की तैयारी आपको मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि नॉर्वे जब तक आप अपने ला, अपने लाइसेंस लाएस, का अपने वीज़े का इंतजार कर रहे हैं तो आप अपने जो है वो ऑनलाइन नॉर्विजन लैंग्वेज शुरू कर दें सीखना बहुत सारे जो है ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो आप अपने घर बैठ के अपने लैपटॉप से अपने मोबाइल से जो है वो घर बैठ के आप सीख सकते हैं तो बेसिक जो है वो नॉर्वे आने से पहले आपको आ जाएगी ताकि आप थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर सकें जब आप एयरपोर्ट पर हों या फिर आप कहीं पर कोशिश कर रहे हो काम ढूंढने की तो बेसिक लैंग्वेज आ जाएगी फिर आप जो है नॉर्विजन लैंग्वेज में कोर्स में जो है वो एडमिशन ले लें और फिर आगे आपका मामला जो है वो चल पड़ेगा दूसरी जो बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे नॉर्वे में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में मेडिकल साइंस की जो पढ़ाई होती है वो छः साल की होती है उसके बाद फिर हाउस जॉब होती है तो छः साल में ऑब्वियसली कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं लेकिन इतने फोकस से नहीं पढ़ाए जाते पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश के अंदर तो नॉर्वे की हेल्थ मिनिस्ट्री जाती है कि हम उन सब्जेक्ट्स में उन क्लिनिकल फील्ड्स के अंदर जो है वो इंटर्नशिप करें उससे पहले कि हमें लाइसेंस या पर्मेंेंट लाइसेंस मिले तो यूजुअली मुख्त फ़ील्ड्स होती हैं जैसे कि जनरल मेडिसिन हो गई कम्युनिटी मेडिसिन हो गई साइकैट्री हो गई मुख्तु जिसकी जो रिक्वायरमेंट जिसके अंदर जिसके देखते हैं जिसके डॉक्यूमेंट में जिस चीज़ की कमी होती है तो वो 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 उसको कहते हैं कि आपको ये इंटर्नशिप यूजुअली दो से तीन महीने की होती है वो आपको कभी नहीं होती है लेकिन उस इंटर्नशिप को ढूंढना भी आपने खुद ही होता है तो जो बड़े शहर हैं जैसे कि ओसलो है बर्गन है थ्रोंदम है वहाँ पे इस है तो इन शहरों में जो है वो यूजली मिल जाती है और मुख्तलिफ़ जैसे कि जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके पास जो है वो बैठ के इंटर्नशिप की जा सकती है जनरल मेडिसिन के अंदर और सकेट्री जो होती है उसके भी मुख्तलिफारे जहाँ पर जो है वो की जा सकती है आ, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है वो जब इंसान यहाँ नॉर्वे आ जाता है और यहाँ के हेल्थ सिस्टम के थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करता है तो फिर जो है वो चीज़ें क्लियर होती हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ जो है वो पूरी हो सकती है तीसरी रिक्वायरमेंट वो ये है कि नारविजन लेजिस्लेशन और नॉर्वेजन सोसाइटी के अंदर जो हेल्थ सिस्टम जिस तरह से काम करता है उसका एक पूरा कोर्स होता है जिसे नारवजन लैंग्वेज में नेशनल फॉक कहते हैं और उसके अंदर जो है वो बताया जाता है कि नॉर्वे का हेल्थ सिस्टम जो है वो किस तरह से जो है वो सारा काम कर रहा है और पूरा लैंग्वेज नारविजियन लैंग्वेज के अंदर कोर्स होता है तो इसलिए बेहतर होता है कि आप नारविजियन लैंग्वेज जो है वो सीख सकें जो है पहले से जो है वो सीख चुके हूँ थोड़ी बहुत कि आप ये जो है वो कोर्स अटेंड कर सकें और इस कोर्स की फ़ीस जब मैंने दिया था तो दस हज़ार थी नारविजन क्रोन्स अब बढ़ के जो है वो बीस से पच्चीस हज़ार हो गई है तो इसकी भी फीस आपको खुद ही जो है वो देनी पड़ती है और ये इस वक्त नॉर्वे में दो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे होता है एक ओसलो में है और बैर्गन में है जो बड़े शहर हैं दूसरे शहरों में भी है लेकिन यूनिवर्सिटी सिर्फ दो ही हैं जो एक आ, कोर्स जो है वो करवाती हैं चौथा और बड़ा स्टेज और फाइनल स्टेज जो है वो होता है ओस्की एग्ज़ामिनेशन का और ओस्की एग्जामिनेशन में मुख्तफ स्टेशन होते हैं जहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन देखी जाती है आपके क्लिनिकल स्किल्स देखे जाते हैं जैसे ओस्की एग्जाम्स होते हैं और ये एग्जाम जो है वो यूजली दो दिनों का होता है और ये फाइनल स्टेज होती है बड़ी स्टेज होती है और इसको जब आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो है वो परमानेंट परमानेंट ऑथराइजेशन या लाइसेंस जो है वो मिल चुका होता है आ, ये एग्ज़ाम जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ असलो अरेंज कराती है अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ असलो की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे जो है वो एग्ज़ाम का तरीका भी दिया हुआ है और पास्ट पेपर्स भी हैं और वहाँ पर बताया जा सकता वहाँ पर उन्होंने डिटेल बताई भी है कि किस तरह से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं तो ये जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी परमानेंट ऑथराइजेशन मिलने में और जब आपको ऑथराइजेशन मिल जाती है देन यू आर फ्री टू वर्क एज अ डॉक्टर लेकिन उसके बाद फिर आप डिपेंड करता है कि आपने स्पेशलाइजेशन करनी है तो कौन सी फील्ड में करनी है और जिस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करनी होती है बल्कि सारी फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन करने के से पहले आपको जो है वो एक जनरल स्पेशलाइजेशन जैसे हाउस जब होती है उसी तरह यहाँ पे एक उन्होंने इसको हाउस जॉब का स्पेशलाइजेशन का दर्जा दे दिया है और उसमें जनरल मेडिसिन इंटरनल मेडिसिन और जनरल सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स ये जो है वो फील्ड्स में छः महीने और तीन महीने जो है वह आपको करना होता है हॉस्पिटल्स में और उसके लिए भी जो है वो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है आपको अप्लाई खुद ही करना पड़ता है मुख्तलिफ शहरों में अप्लाई करना पड़ता है मुख्तु जगहों पर जाना पड़ता है इंटरव्यूज़ के लिए जैसे अमेरिका में होता है यू एस एम ली एग्ज़ाम देने के बाद जो है वो मुख्तलिफ जो मैच जिसे कहते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला प्रोसेस है लेकिन डिस्करेज नहीं होगा अगर आपने सोचा है कि नॉर्वे में आपको एज़ अ डॉक्टर काम करना है तो ये सारे स्टेप्स हैं इसको ऐसा ऐसा फॉलो करते जाइए और इंशाल्लाह आप जो है वो अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे मेरी तरफ से आपको ये ऑफर है कि जब आप नॉर्वे आ जाएं जब आपका लाइसेंस आपको मिल जाए और आपका वीज़ा लग जाए और आप नॉर्वे आ जाए और आपकी लैंग्वेज शुरू हो जाए और आपको इंटर्नशिप की कहीं ज़रूरत हो तो आई विल आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू इन फाइंडिंग राइट एंड करेक्ट इंटर्नशिप एट द right प्लेस right और जब ये भी हो जाएगा इन तो आपकी जो ऑस्की एग्जामिनेशन होगा जो जिसे जैसे जो फाइनल स्टेज होती है उसमें भी इन शाला आई विल ट्राइट माई बेस्ट टू हेल्प यू तो कॉन्टैक्ट मी ऑन मैसेंजर जब आप नॉर्वे आ जाएँ तो डू कॉन्टैक्ट मे वी हैव फेसबुक ग्रुप जिसपे जो है जो जो सारे डॉक्टर्स जो दूसरे ममालिक से आए हुए हैं वो वहाँ पर कम्यूनिकेट करते हैं एक दूसरे की मदद करते हैं और वी विल वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट सो जस्ट ट्राई अगर आपने सोच लिया है तो आप अप्लाई करें स्टेप्स फॉलो करें एंड डिस्करेज uh, नहीं होना कंटिन्यू डूइंग हार्ड वर्क और इन शाह वी विल सी इन नॉर पे अपना ख्याल रखिएगा स्टेबलेस्ट वालेकुम